80 और 90 के दशक में धार्मिक सीरियल रामायण महाभारत आज भी लोगों को काफी पसंद है। इस शो के दर्शक इसे OTT से लेकर YouTube पर आज भी बेहद ही चाव से देखते हैं। इसके साथ ही इस शो में काम करने वाले सितारों को दर्शक अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। इस शो ने कई सितारों की किस्मत चमका दी। उनमें से ही एक हैं वासुदेव का किरदार निभाने वाले सुनील पांडे। बता दें कि शो में कृष्ण के पिता वासुदेव बनने से पहले सुनील पांडे अपनी पहचान बनाने के लिए दर दर भटक रहे थे। रामायण महाभारत के बाद रामानंद सागर कृत टीवी शो श्री कृष्ण भी दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता था। इस शो में वासुदेव की भूमिका एक्टर सुनील पांडे ने निभाई थी। हालांकि इस बात से बेहद ही कम लोग वाकिफ हैं कि उन्हें ऑडिशन के दौरान रावण की स्क्रिप्ट दी गई थी, लेकिन बाद में वासुदेव बनकर दर्शकों पर छा गए थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे टीवी सीरियल के पॉपुलर शो कृष्ण में वासुदेव का किरदार निभाने वाले सुनील पांडे की। बता दें कि सुनील पांडे बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले हैं। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में वो किसी को नहीं जानते थे, लेकिन एक्टिंग के जुनून ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। आज वह टीवी इंडस्ट्री से लेकर टॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड के चहेते स्टार हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सुनील पांडे को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुनील ने वो सब काम किया जो आम इंसान करता है। सुनील पांडे के जुनून को उनके पिता समझ रहे थे। बेटे के ख्वाब को पूरा करने के लिए उनके पिता ने साथ दिया। एक इंटरव्यू के दौरान सुनील ने बताया कि एक दिन उनके पिता ने भी बोल दिया कि इसके लिए तुम मुंबई चले जाओ। पिता के ऐसा बोलने पर सुनील ने मुंबई का रुख किया, जहां पर उन्हें लंबे संघर्षों का सामना करना पड़ा। इंटरव्यू के दौरान सुनील ने बताया कि जब वे मुंबई पहुंचे तो शुरुआत में उन्हें झाड़ू पोछा का काम मिला। कई बार उन्हें एक्टर्स की कपड़ों पर आयरन करने को भी कहा जाता था। उन्होंने कहा कि ये शुरुआती दौर था। हालांकि सुनील ने कहा कि उस वक्त हर काम करने में उन्हें बहुत मजा आता था। काफी मेहनत के बाद उन्हें धीरे धीरे पृथ्वीराज थिएटर के नाटकों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। तभी उनकी मुलाकात गोविंदपुरी से हुई। गोविंदपुरी ने ही सुनील को राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में वो अभिनेता सचिन पिलगांवकर के दोस्त दशरथ के रोल में नजर आए थे। श्री कृष्ण के ऑडिशन के लिए उन्हें फिर रावण के डायलॉग को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे स्टाइल में बोलने के लिए कहा गया था। ऑडिशन में पास होने के बाद सुनील को वासुदेव का किरदार मिला। रामानंद सागर के कृष्ण के अलावा आलिफ लैला में भी काम किया है। सुनील आज मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हुए बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने हॉलीवुड और साउथ की कई फिल्मों के लिए डबिंग की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।